The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। आप लोगों ने पैरासिटामोल, डोलो 650 या क्रोसिन नाम की दवाइयों के बारे में तो पता ही है ना। पैरासिटामोल आप खाते रहते हैं और डोलो 650, ये सब जो क्रोसिन एसिटामिनोफिन नाम की दवाई होती है उसके अंदर, और इसको रेगुलरली खाते रहने से कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लिवर भी आपका डैमेज हो सकता है। आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे, तो मिस नहीं करना। शेयर करें बगैर जाना नहीं, लाइक करें बगैर जाना नहीं। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। एसिटामिनोफिन क्या है? ये कई सारी दवाइयों के अंदर पेन किलर और बुखार के लिए दिया जाता है। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक, तीनों इफेक्ट्स हैं इसके अंदर। मतलब दर्द के लिए भी, बुखार के लिए भी और इन्फ्लेमेशन के लिए भी काम करता है। मतलब इसके 600 से ज़्यादा ओवर द काउंटर, यानी कि बिना प्रिस्क्रिप्शन से मिलने वाले ब्रांड्स दुनिया भर में अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। और कई बार इसको कई सारी और चीज़ों के लिए, कोल्ड, फ्लू, एलर्जी, नींद की गोलियाँ, इसके स्लीपी वाली गोली, कई सारी गोलियों के साथ कॉम्बाइन कर दिया जाता है। तो कॉम्बिनेशन मेडिसिन भी अवेलेबल है। अल्टीमेटली आप अपने जो भी दवा लेते हैं उसके लेबल को पढ़ना जरूरी है आपको, ताकि पता चले कि उसमें एसिटामिनोफिन है तो कितना है। ये ना हो कि एक तरफ एसिटामिनोफिन ले रहे, एक तरफ पैरासिटामोल ले रहे, एक तरफ कॉम्बिफ्लेम ले रहे, एक तरफ कोल्ड के लिए कोई दवा ले रहे, और सारे मिला के जो पैरासिटामोल एसिटामिनोफिन का डोज जो है वो डबल ट्रिपल हो गया। ये गड़बड़ हो जाए तो फिर दिक्कत, और रेगुलरली खाए जा रहे वो भी दिक्कत है। सो व्हाट इज द इशू, एडवर्स इफेक्ट क्या है? देखो, कई बार अगर आप इसे ज़्यादा ले लेते हैं, रेगुलरली लेते रहते हैं, बिना किसी निगरानी के लेते रहते हैं, डॉक्टर के कहे बगैर लेते रहते हैं, तो आपका लिवर डैमेज हो सकता है। ठीक है, अगर आप एसिटामिनोफिन ज़्यादा खाए, मोर देन डायरेक्टेड। नॉर्मली जो उसका रेगुलरली डोज है वो बच्चों से बड़ों तक, अगर माने बड़ों तक वाले, तो 500 से 650 मिलीग्राम तक है। बहुत ज़्यादा हो गया तो 1000 मिलीग्राम तक का इंजेक्शन आता है और गोली भी आती है। ठीक है, पर उससे ज़्यादा एक साथ एक डोज में नहीं लेना चाहिए। और एक से ज़्यादा मेडिसिन, कई बार लोगों को, एक से मेरा क्या होता है, मेरा तो सर दर्द नहीं हटता, मैं दो दो तीन तीन गोलियां खाते हो, अरे बाबा ना ना बाबा ना, ऐसा न को करो। ठीक है, और दारू पीने के साथ साथ अगर आप ये दवा लेते हैं कि भाई रोज़ दारू पीता हूँ, दर्द होता है, रोज़ पैरासिटामोल क्रोसिन खा के सोता हूँ, फिर तो बेड़ा गर्क है, ऐसा ना करो। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी कैसे लेने का सेफली। डोंट यूज मोर देन वन मेडिसिन कंटेनिंग एसिटामिनोफिन एट अ टाइम। ठीक है, नंबर वन, मेडिसिन के लेबल, दवाइयों के लेबल जरूर पढ़ना है। अपने डॉक्टर से जरूर बताना है कि आपको लिवर की बीमारी है तो या ऐसी कोई बीमारी जिसमें एसिटामिनोफिन नहीं लेना। और अगर आप कोई प्रकार की वॉरफेरिन या ऐसा कोई ब्लड थिनिंग वाली दवाई ले रहे हो, तब भी आपने ऐसा खुद से एसिटामिनोफिन बहुत ज़्यादा डोसेज में नहीं लेना चाहिए। वरना क्या होगा, ये एक तरफ ये वाली ब्लड थिनर भी ब्लड थिन करता है, एसिटामिनोफिन या पैरासिटामोल की वजह से लिवर डिजीज हो तो वो भी ब्लड थिन करेगा, डबल ब्लड थिन, ब्लीडिंग होने का रिस्क। ओके, सो राइट टाइम एंड डोज अपने डॉक्टर से पूछो कि भाई मुझे ये पैरासिटामोल है या क्रोसिन है, डोलो है, कॉम्बिफ्लेम है, कब लेनी है, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार लेनी है, एक साथ दो लेनी है कि नहीं लेनी है, नहीं लेनी हो तो नहीं लेना है, और कितने देर तक रुकना है दूसरे दवा लेने के लिए, और कितने दिनों तक लेनी है। यानी कि बस चॉकलेट की गोली है, ऐसा मीठी गोली पकड़ के रोज ही खा रहे, ओके, डोंट डू दैट। ओके, सो एसिटामिनोफिन कैन डैमेज, सिम्टम्स विल नॉट अपीयर, बिकॉज लिवर डैमेज अच्छा खासा होने के बाद ही आता है। फिर भी अगर आया, शुरू हुआ तो क्या आएगा, आपको लिवर के सिम्टम्स आएंगे, नौशिया, वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी आएगी, पेट दुखे आ सकता है थोड़ा बहुत, या येलोनेस आएगा, जॉन्डिस आएगा, और एपिटाइट में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी भूख लगना बंद होगा, नौशिया, वॉमिटिंग आ सकता है, और जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप बहुत दिनों हो गए आप पैरासिटामोल खाते जा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से जाके बात करें, लिवर फंक्शन अपना टेस्ट कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं लिवर का, कहीं लिवर पे कोई सूजन या डैमेजिंग साइन तो नहीं है। यहाँ होता है आपका लिवर और यहाँ होता है आपका दिमाग, तो दिमाग और मुंह का यूज़ करिए। और ये देखो, ये हाथ है, यहाँ से ये हाथ जाके ऐसे सब्सक्राइब का बटन दबा देना चाहिए।